हेलो गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश एंड रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ऐसे प्रोफाइल्स के नाम आपने पहले भी सुने होंगे। ऐसे प्रोफाइल्स में एक फाइनेंस का बंदा क्या काम करता है, इसको हम लोग समझेंगे। बहुत मेहनत करके मैंने ये सारा डेटा समझा है ताकि आप समझ पाओ कि आप अगर ऐसे रोल्स पे काम करोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग मूव करते हैं प्रोसेस के ऊपर। सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट विल बी कवरिंग इज बेसिकली P2P। अब P2P का फुल फॉर्म होता है प्रोक्योर टू पे। तो ये प्रोक्योरमेंट का पूरा ऑर्डर स्टेज से पेमेंट स्टेज का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है प्रोक्योर टू पे। मेरे चैनल पे प्रोक्योर टू पे का एक वीडियो है जहां पर प्रॉपर डिटेल्ड में प्रोक्योर टू पे प्रोसेस समझाया गया है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, मैं बस खाली आपको ओवरव्यू देता हूँ कि एक पहले PR होता है, आप लोग ने अगर देखा होगा, उसके बाद PO बनता है। इस दोनों के बीच में बहुत सारा और भी चीजें होता है, जैसे कि कोटेशंस लिया जाता है, टेंडर्स फ्लोट होता है, फिर कंपेटिटिव्स बनते हैं। सो ये सब मैं ज्यादा अभी डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि हमारा फोकस है कि एक फाइनेंस का बंदा P2P प्रोसेस में क्या काम करता है। तो PR बना, PO बना, इसके बाद ऑब्वियसली माल आया तो GR बना, ऑब्वियसली क्वालिटी इन्फेक्शन होता है, गेट एंट्री होता है, बहुत सारा स्टेजेस है। बट मैं जैसे कि मैं बोला कि मैं फाइनेंस के बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस को समझाने की कोशिश करो कि उनका रोल कहाँ से शुरू होता है और वो क्या रोल कर रहे हैं। सो PR बना, PO बना, GR बना और इसके बाद होता है IV एंड इनवॉइसिंग होता है एंड पेमेंट होता है। आप सबको पता होगा और अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ERP मॉड्यूल्स में टू फोल्ड कंट्रोल होता है, डायरेक्टली इनवॉइसिंग हिट नहीं करता। तो पहले जब GR बनता है तो एंट्री पड़ता है इन्वेंटरी डेबिट सपोजिटली 100 टू GRIR अकाउंट। ये अकाउंट में इंटरमीडियरी अकाउंट में पार्क हो जाता है और जब इनवॉइसिंग होता है इसका, जब इसका IV को चेक करके इनवॉइसिंग किया जाता है तब होता है GRIR डेबिट टू पार्टी। इग्नोर माई एडिटिंग, इट्स वेरी पुअर। तो ये जो हुआ, अब इसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स का रोल इस स्टेज से आता है, IV के स्टेज से। GR तक, GR कौन बनाता है? स्टोर कीपर जनरली बनाता है, स्टोर कीपर। ये सारा चीज PO कौन देख रहा है? परचेज डिपार्टमेंट देख रहा है, परचेज डिपार्टमेंट देख रहा है। PR कौन देख रहा है? यूजर डिपार्टमेंट रेस किया है। IV से रोल आता है फाइनेंस बंदे का और जनरली ये P2P रोल्स में इनवॉइसिंग का ही पार्ट देखा जाता है बेसिकली। तो इसमें होता क्या है कि जितने भी कंपनी, जितना भी GRNs बनाते हैं, ये सारा चीज, ये सारा इनवॉइसेस ऑटोमेटिकली डिजिटल फॉर्म में अपलोड किया जाता है। कंपनी का कोई सर्वर होगा, वेबसाइट होगा कहीं पर, और प्रॉपर टैगिंग होता है। और उसके बाद जो फाइनेंस एंड अकाउंट का पूरा टीम होता है जो कि P2P टीम हैंडल करता है, पूरा टोटल कंपनी का, एक बड़े कंपनी का, वो सारा बैठ बैठ के GRN के साथ चेक करते हैं कि GRN 100 क्वांटिटी का बना तो इनवॉइसेस भी 100 क्वांटिटी का हुआ कि नहीं, रेट सारा PO के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर फ्रेट का डॉक्यूमेंट्स जो भी है चीजें वो दिया गया है कि नहीं, GST का रेट्स ठीक है कि नहीं, कैश पर PO सारा चीज मैच कर रहा है कि नहीं, वो सारा टर्म्स चेक करने के बाद इनवॉइसिंग करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग बेसिकली यू कैन से कि यू विल बी एक्सपेक्टिंग टू डू इन P2P रोल। सो इनवॉइसिंग करना, ठीक है। अब इनवॉइसिंग हो गया, इनवॉइसिंग करना, तो अब इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या रोल करते हैं और जैसे अंडर ग्रेजुएट्स या ग्रेजुएट्स क्या रोल करते हैं? तो ग्रेजुएट्स ज्यादा इनवॉइसिंग के ऊपर काम करना पड़ता है उनको, इनवॉइसिंग। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया जाता है ऐसे ऐसे रोल्स में, ज्यादातर रिव्यू मैकेनिज्म। सो एक काम होता है इनवॉइसिंग, सेकेंड काम होता है जैसे कि अब इनवॉइस बन गया, अब इसका पेमेंट्स को रिलीज करना है, सारा को ड्यू डेट्स में पेमेंट करना है। तो ये भी पोर्शन P2P टीम, पेमेंट का पोर्शन भी P2P टीम देखते हैं। उसके अलावा वेंडर मास्टर क्रिएशन का भी काम वो लोग देखते हैं, मास्टर क्रिएशन करना, बैंक अकाउंट डिटेल्स ठीक से जा रहा है कि नहीं, ये वाला चीज देखना, ठीक है। इसके अलावा ये जो GRIR में जो पार्क है इसका भी रिव्यू वो लोग करते हैं कि GRIR में कौन कौन सा पैसा पड़ा हुआ है, क्यों इतने दिन से पड़ा हुआ है, हम लोग इनवॉइसेस क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन से GRIR रिव्यू इज ऑल्सो अ पार्ट। एंड इसके अलावा और भी जो मतलब एजिंग को एनालाइज करना, क्रेडिटर्स को एनालाइज करना,
एंड यस आई फॉरगॉट वन थिंग, जो मंथ एंड क्लोजर एक्टिविटीज में जो प्रोविजंस टेक्निकल डिपार्टमेंट यूजर डिपार्टमेंट जो देता है वो प्रोक्योर टू पे टीम के साथ शेयर करता है ताकि वो लोग इसका प्रोविजंस का एंट्री ले सके। सो ये वाला बिट भी पी टू पी टीम दिखता है। सो ओवरऑल आप समझ रहे हैं आईवी से जितना भी प्रोसेस है, एक कंपनी का पूरा टेबल का लेग, बेसिकली क्रेडिटर्स का लेग, पूरा चीज को देखना, स्क्रूटिनी करना, उसके ऊपर मतलब ज्यादा एज में क्रेडिटर्स नहीं पड़ा है, जीआरआईआर सारा ठीक से है, ओल्ड जीआरआईआर नहीं पड़ा हुआ, इनवॉइसिंग सारा ठीक से हो रहा है कि नहीं, ये काम एक पी टू पी टीम करता है। और ये एक्चुअली बेसिकली पी टू पी टीम करते हैं एंड दिस आर गिवन टू शेयर्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। क्या होता है कि कंपनी का बहुत बड़ा कंपनी है, सपोज इट आप समझ लीजिए 1,00,000 करोड़ टर्नओवर का कंपनी है। अब अगर ये हर कंपनी में इसके कम से कम 100 यूनिट्स होंगे इस कंपनी के, अब ये 100 यूनिट्स इस कंपनी के है, सो इट इज, अब इसमें क्या होगा, हर यूनिट्स में ही मटेरियल आ रहा है, जीआरएन बन रहा है, तो वहां पर हर जगह एक एक तो परचेज का, एक तो फाइनेंस का बंदा होगा, एक ग्रेजुएट को रखा होगा या एक सीनियर ग्रेजुएट को रखा होगा कि इनवॉइसिंग करने के लिए, बिकॉज दिस इज अ फाइनेंस एंड अकाउंट स्टोर, सो करने के लिए, तो दैट इज क्रिएटिंग ह्यूज कॉस्ट टू कंपनी और सब जगह अनस्ट्रक्चर्ड और फॉर्म में डेटा है। तो ऐसे में कंपनीज लोग क्या करती है, वो लोग ये काम ही पूरा आउटसोर्स कर देते हैं एक शेयर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे एग्जाम्पल जेनपैक्ट इज वन ऑफ द बिग शेयर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। आप तो आए दिन वहां पर प्रोफाइल्स में P2P, O2C ये सब डिपार्टमेंट्स में आपको वैकेंसीज मिलता है, तो जेनपैक्ट, कॉग्निजेंट, TCS, ठीक है, ऐसे ऐसे कंपनीज को ये चीज आउटसोर्स कर दिया जाता है कि मैं ये 100 ग्रेजुएट्स को अपने कंपनी में नहीं बैठाना चाहता, आप ये सर्विस पूरा ले लीजिए और ये सर्विस आप मेरे बिहाफ में करिए, सारा प्रोक्योरमेंट का पोर्शन को देखिए। सो दैट हैपेंस इन P2P रोल्स। तो आप समझ लो पूरा कंपनी का पेबल्स वो लोग पूरा मैनेज कर रहे हैं, पूरा कंपनी का पेबल्स इसमें। अच्छा, जैसे मैंने बोला, इनवॉइसिंग बोला, पेमेंट बोला, मास्टर बोला, GRI रिव्यू बोला, ब्लॉग्स भी लगाना पड़ता है कभी कभी, इस पार्टी का पेमेंट आप होल्ड करिए क्योंकि इस पार्टी ने ठीक से कंप्लायंस नहीं किया, इसका मटेरियल में डिफेक्ट आया, तो वो ब्लॉक का भी काम। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू क्रेडिटर्स यू विल बी एक्सपेक्टिंग इन द सच रोल्स। एंड मेजरली इफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ क्वालिफाइड पर्सन इज हायर्ड, कभी कभार एंट्री मानना पड़ सकता है, बट मेजरली ही विल बी इन टू दिस रिव्यू रोल कि यार GRI चीज क्यों पड़ा हुआ है, इतने सारे अकाउंट मतलब इतना सारा GRNs बन रहा है लेकिन इनवॉइसेस क्यों नहीं हो रहा है, क्यों स्टक हो रहा है, और क्रिएटर्स का मूवमेंट्स, क्रिएटर्स का एजिंग, ये सबको रिव्यू करना पड़ेगा, शेड्यूल्स वीडियोस बनाना पड़ेगा, ऑडिटर्स को देना पड़ेगा। सो पूरा कंपनी का टेबल्स पोर्शन उनको देखना पड़ेगा। आई होप यू गॉट एन आइडिया कि P2P रोल्स में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर टू कैश, O2C। सो सिमिलर टू P2P रोल, इसमें भी क्या होता है, ऑर्डर दिया जाता है, फिर बिलिंग होता है एंड देन कलेक्शन होता है, राइट। सो इस अब ऑब्वियसली ऑर्डर पोर्शंस में इसका रोल्स नहीं आता, फाइनेंस अकाउंट्स का बिलिंग से स्टार्ट होता है, तो जो पीरियडिक बिलिंग्स है, कुछ शेयर, कुछ एग्रीमेंट्स है, कोई रेंटल एग्रीमेंट है कंपनी का ऑलरेडी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से कुछ एग्रीमेंट्स है मंथली बिलिंग करने का, तो ये सब O2C टीम टेक केयर करता है कि हम बिलिंग करेंगे, हम टाइमली सारा बिल्स कस्टमर्स को रेस करेंगे, बिलिंग को रेस करेंगे, बिलिंग एंड ऑब्वियसली And we will follow up for collections. And collections आएगा तो पैसा का set off करेंगे, money set off, पैसा आ गया है तो set off करेंगे, तो obviously इसमें भी customer master data का काम रहेगा, ठीक है, and debtors को review करना, aging देखना, debtors में क्यों पैसा नहीं आ रहा है, debtors का सारा settlement, so the receivable portion, so a finance and account person works on the receivable portion, and similarly as I told, chartered accountants do work in such kind of profiles. And they are managing the entire receivable portion of the company. So this is some overview of O2C part. I don't think so, I'm missing something. Billing, collections, money set up, ये सब. And GLs का review, receivables का सारा GL review, advances के साथ सारा पैसा set up. तो जहां भी customer आ गया ना, जहां भी customer आ गया, debtor आ गया, वहां पर O2C का role शुरू हो जाता है, aging देना, सारा चीज करना. और जैसा मैं बोला, CS लोग भी इस रोल्स में काम करते हैं एंड देन दे हैव टू रिव्यू। तो कंपनी का इतना सारा 100 यूनिट्स का बिलिंग्स को
एक जगह में एक शेयर्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया है काम, हमको अपने यहाँ पर अपने कंपनी में 100 परमानेंट लेबर रख के कॉस्ट बढ़ाना नहीं है, हम आपको ये सर्विस दे देते हैं। और इसीलिए यही सब रोल्स अब देखो बाहर से आ रहे हैं, मतलब बाहर के मल्टीनेशनल कंपनीज, वहां का लेबर का कॉस्ट इतना ज्यादा है, तो ऐसे शेयर्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को ये सारा चीज दे दे रहे हैं इंडियाज में, और हम लोग का लेबर का कॉस्ट कम है, सस्ते में ग्रेजुएट्स मिलते हैं, अंडर ग्रेजुएट्स मिलते हैं, सीए भी सस्ते में मिल जाता है, तो हम लोग से ये सब काम करवा रहे हैं एंड दे आर आउटसोर्सिंग दिस ऑल दिस सर्विसेज। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया ऑफ हाउ टू सी एज वेल। एंड द लास्टली रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, सो ऑब्वियसली जो चीज कस्टमर हो गया, एक अकाउंट्स पेबल हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया, अब जो चीज मेजर बचता है वो सारा चीज रिकॉर्ड टू रिपोर्ट्स में आ जाता है। तो यहाँ पर मेजरली एक देखिए, मैंने फिक्स एसेट्स का बात नहीं किया, तो फिक्स एसेट्स रिलेटेड सब चीज कैपिटल, वो चीज ये टीम लिखती है, सारा कैपिटलाइजेशन करना, कौन कौन से एसेट्स को इस बार कैपिटलाइज करना है, कौन कौन से एसेट्स को डिस्पोज करना है, निकालना है बुक से, डिप्रिसिएशन रन चलाना, ये सारा चीज आप ये कर सकते हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत कंपनीज के बहुत सारे इंटर कंपनीज होते हैं, इंटर कंपनी बैलेंसेस मैच कर रहा है कि नहीं, अगर गैप है तो वो रिकॉन्सिलेशन को सॉल्व करना है, क्यों आ रहा है, कैसे करना है, उसके लिए अप्रोप्रिएट एंट्रीज लेना, वो सबके ऊपर। सो इंटर कंपनी रिकन्सिलेशन पे लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, इंटर कंपनी रिकन्सिलेशन की, उसका डेटर्स आ रहा है और मेरा डेटर्स का बैलेंस मैच करना चाहिए, और रिलेटेड पार्टीज होने के लिए बहुत सारे स्टेटमेंट्स होता है जो कि ऑडिटर्स को साइन करके देना पड़ता है क्वार्टरली, ये इसको मैंने इतना का सेल किया और उसको इतना का परचेज किया, दोनों दिख रहा है, ये सब के ऊपर काम करना। एंड व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट, एंड भाई जीएल्स का रिव्यूज करना, सारा जीएल्स में खर्चा बुक हो गया, एक्सपेंसेस आ गया, सेल्स बुकिंग हो गया, ये हो गया, तो जीएल्स का रिव्यू करना, वेरियंस देखना, स्क्रूटनी करना, रीजंस क्या आ रहा है, ये सब भी एक एड ऑन होता है प्रोफाइल्स में। इन्वेंट्री को देखना, इन्वेंट्री में स्टॉक इन ट्रांजिट क्या क्या है, क्यों बिलिंग नहीं हो रहा है, स्टॉक इन ट्रांजिट्स में क्यों मटेरियल नहीं आ रहा है, ट्रांजिट में क्यों पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री इतना ज्यादा पाइलअप क्यों हो रहा है, इन्वेंट्रीज का थोड़ा एनालाइज करना, इंटर कंपनी रिकन्सिलेशन करना। अच्छा, बैंक रिकन्सिलेशन इन लोगों को डेली देखना पड़ता है, बैंक में क्या क्या पैसा आके पड़ा हुआ है, अगर किसी डेटर से कुछ पैसा आया है तो वो लोग डेटर्स वाले टीम को, ओटूसी टीम को फॉरवर्ड कर देते हैं कि ये कुछ पैसा आया है, आप इसको जल्दी से सेटअप करो, मेरा बैंक बैलेंस को एडजस्ट करो, बैंक में एंट्री लो। सो ये सारा एक्टिविटीज, इंटर कंपनी रिकन्सिलेशन, बैंक रिकन्सिलेशन, ये सारा चीज आप बेसिकली एक आर टू आर प्रोफाइल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन एज आई सोल्ड इन एवरी प्लेस, द सीएस विल बी इन द रिव्यू रोल डूइंग सच रोल्स, एंड यस दैट्स इट। तो आई होप द नेक्स्ट टाइम यू गेट सम अपॉर्चुनिटीज इन सच काइंड ऑफ रोल्स, यू कैन एक्सपेक्ट दैट वॉट यू विल बी वर्किंग विथ। आई होप दैट दैट विल बी डन। एंड लास्टली, इफ समवन आस्क्स मी दैट वेदर यू शुड गो फॉर सच रोल्स एंड एवरीथिंग, सो यू कैन सी आई एक्सप्लेन यू द प्रोसेस, सब कुछ बहुत ही स्टैंड अलोन टाइप्स है। एक जन अगर पेबल्स देख रहा है तो पेबल्स देख रहा है, एक जन अगर कस्टमर देख रहा है तो कस्टमर देख रहा है, ऑल दो बहुत ह्यूज में देख रहा है, बहुत वॉल्यूमिनियस है, बहुत ट्रांजेक्शन होता है, बहुत सारा ये होता है, लेकिन देख रहा है। सो इट्स बेटर कि आप ऐसे सिचुएशन में ये कर दिया करो, मीन्स सॉरी देख रहा है तो इट्स बेटर, तो आपको फुल बिजनेस का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं होता है। तो अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है देन यू शुड गो, पैसा सी मनी इज देयर इन ईच एंड एवरी प्रोफाइल, बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देन दिस प्रोफाइल्स आर नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज आपको प्रॉपर बिजनेस तो पूरा समझ में नहीं आ रहा। आप एक कंपनी का सिर्फ पेबर्स देख रहे हो, आप एक कंपनी का सिर्फ कस्टमर्स देख रहे हो, आप एक कंपनी का ये सब एसेट्स या ये चीज देख रहे हैं। सो बट अगेन, इफ यू आर नॉट गेटिंग समथिंग, इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ जॉब एंड स्टार्ट विथ समथिंग। सो आई होप माई मैसेज वॉज क्लियर, आई होप आई वॉज एबल टू गिव सम वैल्यू इन योर नॉलेज। आई जस्ट चेक वेदर आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स, लाइक आई सेल मास्टर डेटा, पेमेंट रन, GRIR, प्रोविजनिंग, कलेक्शंस, इंटर कंपनी, सो आई थिंक सो, इंटरेस्ट शेड्यूल्स, लोन शेड्यूल्स, इंटरेस्ट इंटरेस्ट का ऑडिटर्स को प्रोवाइड करना, ये भी रिकॉर्ड टू रिपोर्ट्स में आ जाता है। सो एंड सो ऐसे ही है प्रोफाइल्स, इसमें बहुत सारा कुछ एड ऑन्स होगा, कुछ नेगेटिव होगा, बट आई होप यू गॉट एन आइडिया दैट वॉट आई वॉन्टेड टू से, एंड आई होप इट वॉज अ वैल्यू एडिशन फॉर यू। एंड नेक्स्ट टाइम इफ यू
face some profiles like R2R. And if you face such terminologies, you will have an idea on that. Thank you so much. That was from my side. I'll keep creating such videos. And if you have any queries, you can mail us at auditpractically@gmail.com. Thanks for watching. Thank you.